खरगोन शहर के पीजी कॉलेज में शनिवार को बीकॉम प्रथम वर्ष की योग क्लास में प्रोफेसर के नहीं पहुंचने से हंगामे की स्थिति बनी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रोफेसरों पर मनमानी का आरोप तक लगा दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है, फिलहाल योगा शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी, इस कारण क्लास खाली थी। एनएसयूआई के नीलेश सागोरे रजत शर्मा ने बताया कि कॉलेज में क्लास खाली रहने का कोई नया मामला नहीं है, यहाँ प्रोफेसर अपनी सुविधा अनुसार कक्षाएं लेते हैं। नतीजतन सुदूर अंचलों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोफेसर महेश गुप्ता ने बताया, फिलहाल प्राचार्य एक सप्ताह के अवकाश पर है, वहीं प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, योगा शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है, अन्य क्लासेस तय समय पर लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। और हमको संतुष्ट करने के लिए किसी भी मास्टर को ये भेज देते हैं, ये कॉलेज में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। इनके पास जब भी जाओ ये बोल देते हैं, ये सर लेंगे लेक्चर, ये सर लेंगे, वो सर लेंगे। अभी तक एचओडी का कोई ठिकाना है नहीं, प्रभारी मैडम का कोई ठिकाना है नहीं। यहाँ पे सभी बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बुला लिया जाता है कि आपका लेक्चर 11:20 से है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जबकि 11:20 पे मैं जब क्लास में पहुंचा, मैं यही देखने गया था कि लेक्चर प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। जब हम वहां गए तो कोई भी टीचर नहीं थे, जबकि कम से कम 50 से 60 बच्चे बैठे थे। जब बच्चों से पूछा गया तो बोले कि भैया हम रोज आ जाते हैं, 11:20 के पहले आ जाते हैं, ग्रामीण से किराया लगा के आते हैं, हमारे कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं लगते। जब यहाँ पर हमने जिम्मेदार लोगों से बात करी, यहाँ के HOD साहब है, DS पाटीदार सर, जब उनको मैंने फोन करा तो वो बोल रहे कि मैं कोर्ट में हूँ। जब मैंने पूछा कि सर आप कोर्ट में है तो कॉलेज की नौकरी कौन करेगा, तो बोले मेरी एप्लीकेशन लगी है। उसके बाद मैंने पूछा कि यहाँ का प्रभार किनको दिया है, तो बोले कि गुप्ता सर को दिया। गुप्ता सर से जब मैंने बात करी तो गुप्ता सर मेरे फोन के बाद 1 घंटे बाद आ रहे हैं। यदि मैं गुप्ता सर को नहीं फोन करता तो गुप्ता सर भी नहीं आते। देवड़ा सर आजकल छुट्टी पे चल रहे हैं, तो इनका प्रभार सेल जोशी मैडम को दिया है। जब मैं प्राचार्य रूम में गया कि सेल मैडम से बात करूं, तो सेल जोशी मैडम भी अभी तक आए नहीं है कॉलेज में। तो यह कॉलेज किसके भरोसे चल रहा है, इसके लिए हमने बच्चों से बात करी, टीचरों से बात करी। क्या समस्या आ रही है? समस्या बस आना, लेक्चर नहीं लेना, सभी पूरी कॉलेज में यही चल रहा है। सर आते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, इनसे कुर्सियां नहीं छूटती है, बच्चे आके परेशान होके वापस जाते हैं। नीलेश सागर, NSUI कार्यकर्ता खरगोन। क्या वजह? 11:20 से क्लासेस चालू होती है और 11:20 से 12 के बीच में हिंदी, अंग्रेजी, योगा, इनकी क्लासेस लगती है और 12 बजे से कॉमर्स की क्लासेस लगती है। तो अभी योगा के टीचर, आज जैसे क्लासेस थी तो अभी योगा के टीचरों की नियुक्त नहीं हुई है, तो इस वजह से वो उनका पीरियड खाली चल रहा था और उसके बाद में फिर ये बच्चों ने ये मुद्दा बनाया। उनको भी बताया है कि योगा के टीचर जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, जैसे प्राचार्य महोदय आएंगे और उनके क्लासेस नियमित चलेगी। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनको सूचना नहीं दी क्या, जो भी नियुक्ति नहीं हुई कितने समय तक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ये पॉलिसी मैटर है, प्राचार्य महोदय से हम भी निवेदन करेंगे और उनको भी जो है ये है क्लियर, क्योंकि अभी 31 अगस्त तक एडमिशन भी चल रहे हैं, परीक्षाएँ भी चल रही है, तो कई टीचर्स लोग जब बड़ी एग्जाम रहती है तो उसमें इंगेज रहते हैं और कुछ एडमिशन फॉर्म लेने में इंगेज रहते हैं, तो सब ये जो है स्टाफ के लोग इधर उधर जो है सब इंगेज रहते हैं, तो इसमें जो है ये क्लासेस कभी कभी सफर हो जाती है, कभी कभी पूरी बिल्डिंग में ही परीक्षा होती है तो कक्षा भी नहीं लग पाती। तो व्यवस्थाएँ चल रही है और अभी शुरुआत है और ये बराबर कक्षाएँ नियमित लगेगी। महेश गुप्ता जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।